हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, योर पीडियाट्रिशियन। फिर एक बार मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो। जी हाँ, इस कड़ी का पहला वीडियो हम पहले ही रिलीज कर चुके हैं, जो था पसली चलने के बारे में नवजात शिशु से लेकर के 6 महीने तक के बच्चों में। आज हम इसी की नेक्स्ट कड़ी लेंगे, जिसमें सेकेंड पार्ट में हम बताएंगे 6 से 12 महीने के बच्चों में क्या कॉमन कारण होते हैं पसली चलने के, सांस तेज तेज लेने के, निमोनिया होने के या कुछ और परेशानी होने के जो सांस तेज चलने से रिलेटेड हो सकती है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अपने नए व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि मेरा यूट्यूब चैनल है आई केयर माई चाइल्ड, जो बच्चों से रिलेटेड है। उसमें कॉमन परेशानियां, कुछ रेयर परेशानियां, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए जरूर आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और हाँ, अगर आपको कोई डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं डॉकवाइज ऐप पर आकर, जिसमें मेरा कोड MX93T, एंड आप वेबसाइट पर भी आकर मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम है iqmychild.co.in। तो फिर आइए स्टार्ट करें अपना टॉपिक। देखिए, नवजात शिशुओं से 6 महीने का मैंने इसलिए अलग लिया क्योंकि उस टाइम बच्चा सिर्फ माँ के दूध पे डिपेंडेंट है और पैदा होने के इमिडिएटली बाद का वो पीरियड है, तो उस टाइम की समस्याएं थोड़ी सी अलग तरह की होती है। अब 6 से 12 महीने का पीरियड क्यों अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज ऐड हो जाती है, हम बच्चे को ऊपर का खाना देना स्टार्ट करते हैं, नई नई वैरायटी की चीजें बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं और माँ का दूध कम करते जाते हैं। तो अगर अभी तक बच्चा ठीक था, या तो ऐसा हो सकता है कि पहले से ही उसको ये प्रॉब्लम थी, तो आपका वो टॉपिक जो है वो वहीं पे कवर हो जाएगा जो मैंने डिस्कस किया है ऑलरेडी, नवजात शिशु से 6 महीने तक। अगर आपका बच्चा अभी तक ठीक था, फिर आपने क्या किया, कुछ चीज देनी शुरू की, नया खाना देना शुरू किया, मे बी उस वजह से किसी पर्टिकुलर चीज से बच्चे को एलर्जी हो सकती है। स्पेशली इसमें ध्यान देना पड़ता है कि जैसे हम बच्चे को वीट दे रहे हैं या कोई फ्रूट पर्टिकुलर दिया या कभी ठंडी चीज दे दी, तो उस चीज के बाद बच्चे की सांस तेज तेज चलने लगी। तो इसमें रीजन क्या हो सकता है, पर्टिकुलर किसी खाने की चीज से बच्चे को एलर्जी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर जस्ट चेंज हुआ है, आप कहीं और से कहीं मतलब स्टेट चेंज करके आए हैं, वेदर को चेंज करके आए हैं, मौसम बदला हुआ है, उसकी वजह से पसली चल रही है और साथ में अपने कुछ खाना भी दिया है, तो हमें लगता है कि शायद खाने की वजह से हुआ। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है, लेकिन हाँ, बच्चे की पसली का कारण दोनों में एलर्जी ही है, या तो उसे टेम्परेचर चेंज से एलर्जी है या बच्चे को खाने से एलर्जी है। तो एक एलर्जिक वाली परेशानी होती है, जो मतलब आम भाषा में हर कोई निमोनिया ही जानता है, लेकिन ये दमे जैसी शिकायत होती है, हल्का दमे जैसी शुरुआत होती है और ये बाद में चल के अपने आप ठीक भी हो सकती है, नहीं भी ठीक हो सकती, लेकिन दोनों ही स्थिति में बच्चे को ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टर बताते हैं वैसा देना पड़ता है। दूसरा कारण क्या है, इन्फेक्शन। देखिए, बच्चे को ऊपर का खाना आप दे रहे हैं, साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपने ऊपर का दूध देना बच्चे को शुरू किया है, तो उसको अच्छे से बॉयल कर रहे हैं आप, कटोरी चम्मच से दे रहे हैं, कहीं बॉटल से तो नहीं पिला रहे हैं, अगर बॉटल से दे रहे हैं तो कितना उसको स्टरलाइज कर रहे हैं, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि बच्चे को कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। अगर बच्चे को इन्फेक्शन होगा तो वो निमोनिया भी हो सकता है, जिसमें बच्चे की पसली जो है वो तेज तेज चलेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ कि बच्चे की पसली तेज चलेगी, इसको पहचानने के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में डाला हुआ है, मैं उसे यहाँ पे फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि इसमें देख सके कि तेज पसली चलना किसे कहते हैं। तो उसको समझेंगे तो हाँ, आप जल्दी रियलाइज कर पाएंगे कि हाँ, मेरे बच्चे को तकलीफ है और तुरंत आप डॉक्टर के पास ले जा पाएंगे। हाँ, इन्फेक्शन अगर होगा तो बच्चे को पसली चलने के साथ साथ कुछ भी खाने में दिक्कत महसूस होगी, बच्चा कुछ खाना नहीं चाहेगा, ज्यादा चिड़चिड़ा होगा और साथ में बुखार भी आ सकता है। ओके, तो एक ये चीज हो गई। इसके अलावा क्या हो सकता है कि फैमिली में अगर किसी को एलर्जिक प्रॉब्लम रही हो, अस्थमा की प्रॉब्लम रही हो, तो वो बच्चे में भी आ सकती है, तो उस वजह से भी बच्चे की पसली चल सकती है। और क्या हो सकता है कि इससे पहले पार्ट में मैंने डिस्कस किया है कि बच्चे को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, मे बी उस टाइम इतना रियलाइज नहीं हुआ है, कुछ हार्ट की प्रॉब्लम दिल में छेद ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे एज बढ़ती जाती है तब ज्यादा दिखते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि अगर हार्ट में छेद है तो बीच बीच में बच्चा बहुत तेज तेज सांस लेगा, फिर कभी ठीक हो जाएगा, या फिर जैसे बच्चे ने क्रॉल करना स्टार्ट किया है, खड़े होकर चलना शुरू किया है, ज्यादा बात करना शुरू किया है, खेलना शुरू किया है, तो इस टाइम बच्चे को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है और हार्ट वो डिमांड पूरी नहीं कर पाता है, जिन बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में अचानक से बच्चा नीला पड़ जाएगा, बेहोश हो जाएगा और बहुत तेज रोने लगेगा, तो इसमें आपको पहचानने की जरूरत है कि शायद बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से बच्चे की पसली चल रही है, बच्चा नीला पड़ जा रहा है, और आप तुरंत डॉक्टर के पास उसको लेकर के जाएंगे। तो ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। सेकेंड फोर्थ चीज क्या हो सकती है कि पहले ही की जो प्रॉब्लम है
हम शुरू की 6 महीने में रियलाइज नहीं कर पाए और वो अब आकर के बढ़ गई हैं। जैसे कोई भी कंजनाइटल बच्ची की जो चेस्ट का फॉर्मेशन है, यानी कि जो बच्ची की हड्डियां हैं वो ठीक से बनी नहीं हुई हैं, जो फेफड़े हैं उन्हें पूरा स्पेस नहीं मिल रहा है सांस लेने का, तो इसकी वजह से बच्चे को बार बार तेज तेज सांस चलने लग जाती है। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या आता है, जब हम बच्चे को ऊपर का खाना देना शुरू करते हैं, इसीलिए मैंने बहुत ध्यान से बताया कि जब शुरू का टाइम होता है, स्पेशली 1 साल तक नहीं बल्कि 2 साल तक, हर चीज को इतना मुलायम होना चाहिए कि वो बच्चे के गले में अटके ना। जैसे कि दानेदार चीजें इस टाइम हमें बच्चे को नहीं देनी चाहिए, अनार के दाने हैं, मूंगफली है, कोई नमकीन के बड़े बड़े टुकड़े हैं, वो देने से हमें बच्चे को रोकना चाहिए। अंगूर पूरा पूरा देना नहीं चाहिए, कि ऐसे में क्या हो सकता है कि वो बच्चे के गले में पूरा अटक सकता है। तो अगर बच्चे के गले में फंदा लग जाएगा या वो सांस की नली में चला जाएगा, तो उसकी वजह से अचानक से बच्चे की पसली बहुत तेज से चलने लगेगी, बच्चा पूरा नीला पड़ जाएगा और शायद सांस लेना भी रोक दे। तो इसलिए ये एक बहुत कॉमन कारण होता है छोटे एज ग्रुप में, जब बच्चा ऊपर का खाना शुरू करता है, उसे खाने का मन करता है, वो यहां वहां से उठा के कुछ खा लेता है और उसके फॉरन बॉडी उसके गले में फंस जाती है। तो इस स्थिति में बच्चे को तुरंत इमरजेंसी में ले जाना पड़ता है और वो चीज निकलवानी पड़ती है। अगर इसमें हम देर करेंगे तो बच्चे की जान भी जा सकती है। तो जब 6 to 12 months का एज ग्रुप होता है, तो उसमें हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हम जो खाने की चीज दे रहे हैं वो बच्चा अच्छे से खा पा रहा है, उसे खाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसका हम ध्यान रख सकते हैं। सेकेंड लास्ट चीज क्या है कि सिंपल मौसम बदला, वायरल टाइप का इन्फेक्शन होता है हवा पानी में, जैसे कुछ ठंडा गर्म हुआ, बच्चे को कहीं थोड़ा बाहर लेकर के गए, उसने कुछ बाहर का पानी पी लिया या कुछ खा लिया, उसके बाद वायरल इन्फेक्शन हो गया, या घर में किसी के जुकाम सर्दी है उससे बच्चे को इन्फेक्शन लग गया। तो ये बहुत कॉमन है और कई बार बच्चों को हो जाता है, तो ये इतना सीरियस नहीं होता। अधिकतर केसेस में आप थोड़ी सी दवाई देते हैं, थोड़ी बहुत हल्की सी बच्चे को पसली चल रही होती है, डॉक्टर बताते हैं एक बार आप भाप लगवा लीजिए और कुछ दवाइयां दे देते हैं और बच्चा ठीक हो जाता है 5 से 7 दिन के कोर्स में। बट हाँ, कभी कभी इसमें एक ब्रोंकियोलाइटिस नाम की बीमारी होती है जो RSV नाम के वायरस से होती है। तो ये जो वायरस है ये बहुत सीरियस इन्फेक्शन कर सकता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे की पसली बहुत तेज चलेगी, शायद 1 मिनट में ऐसे से 100 बार तक बच्चा सांस ले सकता है, और इससे क्या होगा, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, क्योंकि बच्चा इतना कम सांस लेता है, इतनी जल्दी जल्दी लेता है कि जो ब्लड तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाई है वो पहुंच नहीं पाती है। तो ऐसे में तुरंत डॉक्टर भर्ती करते हैं, उसको ऑक्सीजन पे रखते हैं, बार बार भाप लगवाते हैं, और कभी कभी बच्चे की हालत ज्यादा सीरियस होती है तो वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ जाती है। तो ये भी वायरल इन्फेक्शन ही होता है। इस पे काफी रिसर्च भी चल रही है कि इसके लिए कोई वैक्सीन हम लगा सके, ऑल्दो इसके लिए कुछ कुछ ट्रीटमेंट्स आए हैं जो दिए जा सकते हैं, बट वो भी बहुत महंगे हैं और नॉर्मल लोगों के रेंज से बाहर है, इतनी इजिली अवेलेबल भी नहीं है। तो बस इसमें बस यही कि अगर हम बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रखेंगे, उनको स्ट्रांग रखेंगे, और बच्चे ने अगर माँ का दूध पिया हुआ है, और अगर आसपास साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, बच्चे बार बार बीमार नहीं पड़ रहे हैं, तो इस ब्रोंकियोलाइटिस नाम की बीमारी के चांसेस कम होते हैं। और तो मोस्ट जो कॉमन कारण है वो तो यही है। दूसरी चीज ये है कि पहले अगर बच्चे को निमोनिया हो चुका है और अगर आपने कोर्स पूरा नहीं किया, एंटीबायोटिक्स का आपको कोर्स बताया गया था, आपने वो पूरा नहीं किया, तो निमोनिया फिर से रिपीट हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना है कि जब भी डॉक्टर अगर आपको बताते हैं कि हाँ इतने दिन का कोर्स आपको बच्चे को देना ही देना है, कभी ये 7 से 10 दिन का हो सकता है, कभी ये 14 दिन का भी हो सकता है, तो इस इलाज को जरूर पूरा करें ताकि ये इन्फेक्शन बच्चे को बार बार रिपीट ना हो। अच्छा, अब अच्छी बात क्या है कि जो जानलेवा टाइप के निमोनिया होते हैं उसके लिए वैक्सीन उपलब्ध है। इवन सरकारी में भी कुछ वैक्सीन इसमें कवर हो रहे हैं, बट सारे कवर नहीं हो रहे हैं, तो वो आप प्राइवेट से लगवा सकते हैं। तो प्राइवेट में ये न्यूमोकोकल जो वैक्सीन होते हैं ये अवेलेबल होते हैं, उनको आप जरूर लगवाइए। ये कोर्स सेम होता है 6, 10 और 14 हफ्ते का, फिर इसके बाद बूस्टर लगता है। इन वैक्सीन की मदद से आप बच्चों में इस जानलेवा खतरनाक टाइप के निमोनिया होने से बचा सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अपने जो भी घर में प्रॉब्लम्स है, अगर आपको लगता है कि बच्चे को इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं ड्रॉपवाइज ऐप पर आकर के, या फिर आप वेबसाइट से भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में थैंक्स जरूर लिखेंगे, क्वेश्चंस लेकिन वेबसाइट पर और डॉक्टर्स ऐप पर ही। एंड मेरा फेसबुक पेज भी है जहां पर मैं ये वीडियो जरूर साथ साथ ही शेयर कर रही हूँ, और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, IKMRChild के नाम से ही दोनों है, वहां पर भी जाकर के आप मुझे देख सकते हैं, वीडियोज पढ़ सकते हैं, और मेरी वेबसाइट पर मेरे ब्लॉग्स रहते हैं, उन्हें भी जाके आप रीड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।